खुद उसको देखा है। कोई पत्रकार बाद में बातचीत में मुझे ऐसा न पूछे कि इसके पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि बंगाल के बजट के 15% से ज्यादा नहीं है। आने पाई का हिसाब कर इस बनाया गया है। मैं बनिया हूं, मुझ पर भरोसा रखना, हमने जो कहा है वो सब हम कर पाए, ऐसी स्थिति में है। मित्रों, सबसे पहले हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम। हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना को आगे बढ़ाते हुए 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपया 3 साल से ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है, वो एक साथ कोई कट मनी के बगैर सीधा इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम करें। और उसके बाद हर साल भारत सरकार के 6,000 रुपया जो आता है, इसके अंदर राज्य सरकार का 4,000 रुपया जोड़कर 10,000 रुपया किसानों को देने का काम करें। सभी मत्स्य पालकों को, मछुआरों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मोदी जी एक यूनिक योजना लेकर आए हैं। देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य के लिए कोई खर्चा न करना पड़े, आयुष्मान भारत योजना। राजनीति, जैसे मैंने कहा कि दुश्मनी का जो भाव होता है ये यहां तक गया है कि बंगाल के गरीबों को ये 5 लाख रुपया नहीं मिलता है। हमने तय किया है कि पहले ही कैबिनेट के अंदर बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंच पाए, इसके लिए हम करेंगे। हमने तय किया है कि व्यक्ति क्या सीमा पार से परिंदा भी पैर न मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की व्यवस्था। घुसपैठ को पूर्णतया बंद करने का काम बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। और समयबद्ध तरीके से बॉर्डर फेंसिंग को स्ट्रेंथनिंग करना, आउटपोस्टों को स्ट्रेंथनिंग करना, सीसीटीवी सर्वेलेंस से थानों को जोड़ना, और थानों की घुसपैठ जब होती है तो जिम्मेदारी तय करना, ये सारे काम हम करेंगे। मित्रों, हमने तय किया है कि पूरे देश भर में बेरोक टोक हर धर्म का त्यौहार मनाया जाए, विशेषकर सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने तय किया है कि 70 साल से जो शरणार्थी यहां पर आकर बसे हैं, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं है, 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की कर। मुख्यमंत्री शरणार्थी कल्याण योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक डीबीटी से 10,000 रुपया प्रतिवर्ष हम ट्रांसफर करने का काम करेंगे, जिससे सम्मानपूर्वक वो रिहेबिलेट हो पाए। ओबीसी आरक्षण की सूची में महिष्य, तिल्ली और अन्य हिंदू समुदाय जो रह गए हैं उनको समाविष्ट करने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेगी। हमने सभी महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई निःशुल्क करने का निर्णय कराया है। कोई भी महिला हो, कोई भी बच्ची हो, केजी से पीजी तक सारी पढ़ाई का खर्चा बंगाल सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, वो उठाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सारी महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। कृषक सुरक्षा योजना के तहत हम हर भूमिहीन किसान को 4,000 रुपये की साल की सहायता देंगे। उत्तर बंगाल, जंगल महल और सुंदरवन क्षेत्र में भारत सरकार की सहायता से 3 नए एम्स बनाएंगे, जिससे इनको कलकत्ते तक न आना पड़े। हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसमें 5 साल में एक सदस्य को
रोजगार नहीं मिला हुआ। और खस्ता आर्थिक हालत के चलते बंगाल के कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल सरकार सातवें वेतन आयोग को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। हमने तय किया है कि सरकार बनने के बाद सातवां वेतन आयोग सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। यहां पर करप्शन ने सारी लिमिटेड तोड़ दी, इंतहा हो गई है करप्शन की। हम सीएमओ के अंतर्गत एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत करेंगे, कोई भी नागरिक कंप्लेन सीधी मुख्यमंत्री जी को पहुंचा पाएगा। हर परिवार को शौचालय और साफ पीने का पानी, जो भारत सरकार की ही योजना है, मगर मैंने जैसा कहा दुश्मनी की राजनीति के कारण इसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं होता है। हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पूरा करेंगे।